रीजन था शादी को जुलाई से पोस्टपोन करके दिसंबर में कर दी, ताकि उसकी माँ उस बीच में एंगेजमेंट होता है तो मेरी माँ टाटा नगर में भी मेरी लड़की देख डाली। मैं बोली 3 दिन में कैसे देख डाली, बोलते हैं। उसकी बहन ने मुझे फिर वही सेम चीज़ बोला, बोला शताब्दी देख मैं तुझे साफ साफ बता रही हूँ, मेरी जो माँ है ना तुझे पसंद नहीं कर रही। बोलती ठीक हूँ, तो मेरे को बोलती तू कैसी है। मेरे को इतना ऑकवर्ड लगा उस समय। उसमें हमको नहीं पता था कि इनकी खरीदारी कैसी हुई है। जब आप लोग सुनोगे ना कि इनकी शादी की शॉपिंग, शादी की खरीदारी कैसे हुई है, क्या हुई है, आप लोगों के पैरों के तले जमीन खिसक जाएगा। वो कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लिया था, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि मैं उसको गलत समझ रही हूँ, कि उसको किसी और लड़की पे इंटरेस्ट है। बताई है कि उसकी बहन किसी एक मतलब अदर कास्ट के लड़के को प्यार करती है, बिहारी है। एवरीवन कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई नो पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा अलग लग रहा होगा, बट एक्चुअल में ये मेरा पूजा का घर है और मैं आप लोग से जो भी बातें शेयर कर रही हूँ, हर एक एक लाइन सही, एक एक बात सही है। और ये जो कमरा है ना, ये पूरा पॉजिटिविटी से पूरा भरा हुआ है, और इस कमरे में मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील करती हूँ। अगर आप लोग से मैं ये कहानी शेयर कर रही हूँ ना, तो मैं उस वक्त ना वहाँ पहुँच जाती हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आँखों से देख रही हूँ ये सारा चीज़ होते हुए कि ऐसा हो रहा है करके। तो बस आप लोग से मैं वही शेयर करना चाह रही हूँ कि जो जो मेरी लाइफ में हुआ है। और मैं यहाँ पे किसी को मिसगाइड बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। हर एक इंसान समझदार है, हर एक इंसान मैच्योर है, अपना अच्छा भला बुरा हर एक इंसान समझ सकता है। इसलिए मैं यहाँ पे किसी को मिसगाइड नहीं कर रही हूँ। बस मेरे साथ कुछ चीज़ें हुई है, वही चीज़ मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था कि मेरी जो इंगेजमेंट है, इंगेजमेंट का डेट होने वाला था जुलाई में, ठीक है, तो वो सीधा पहुंच गया दिसंबर में। कैसे, वही मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। और भी बहुत सारी नोक झोंक, खट्टी मीठी बातें ये तो इसमें रहेगी। अब क्या हुआ, मैं वहाँ बैठी थी, मेरे से कुछ सवाल पूछ के मैंने जवाब, जो मुझे आया मैंने उसका जवाब दिए, जो नहीं आया तो जो मेरे पीछे बैठे थे उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर अब बड़े बड़े बुजुर्ग बुजुर्ग लोग बात कर रहे थे कि शादी का डेट वेट कब क्या निकाला जाए। और इसमें ऐसा होता है ना कि सास लोग नहीं आते हैं, सास और बेटा नहीं आता है, बाकी सब लोग आते हैं। तो फिर उसके पापा ने क्या कहा कि मैं तो अगला डिसीज़न नहीं ले सकता, घर में इसकी माँ है, इसके माँ से पूछ के हम डिसीज़न लेकर आपको बताएंगे। तो ये भी सही है, यहाँ पे लोग गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है ना कि जब हम जाते हैं एंगेजमेंट पे, तो घर में ही डेट डिसाइड कर लेते हैं। वहाँ पे बस जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बस फॉर्मेलिटी होती है। मेरे घर में डेट डिसाइड कर लिए थे कि जुलाई में ही होगा, जुलाई या जून, मतलब एक्चुअली में ना बंगला का महीना था, तो इसलिए मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। जुलाई या जून, मतलब जून का आधा, जुलाई का फर्स्ट, ऐसा कुछ पकड़ के होता है। तो फिर हम लोग हमारे में डिसाइड कर लिए थे, तो हमको लगा वो लोग डिसाइड कर लिए होंगे। तो बस यहाँ पे आके एक फॉर्मेलिटी होता है कि हाँ इस तारीख को हम शादी देंगे करके। तो वहाँ पे ना वो ना थोड़ा सा ना पीछे हट गया, तो हमारे घर से कोई प्रेशर नहीं था। बोले ठीक है चलिए कोई बात नहीं, घर जाके अब बताना। अब एंगेजमेंट ख़त्म, सब अपने अपने घर चले गए खा पी के बढ़िया से, मैं भी पेट भर के खाई। उसमें मेरे बालों की बहुत तारीफ हुई थी, जो मेरे मामा ससुर लोग आए हुए थे उन्होंने मुझे बोला आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो। तो मैं बहुत शर्मा रही थी, क्योंकि जैसे भी मामा ससुर है, मैं कुछ बोली नहीं। तो ये मेरा भैया था, तो वो बोला कि इसका बाल बचपन से ऐसी है सिल्की, और मेरे बाल बहुत घने थे, लंबे भी थे और बहुत खूबसूरत थे, बहुत अट्रैक्टिव थे, मतलब बिना कुछ किए स्ट्रेट वगैरह किए पूरा सिल्की थे हेयर। तो बालों की बहुत तारीफ हुई थी, और मेरे बालों पे मेरा मामा ससुर ने मुझे एक कविता भी सुनाई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मुझे याद है वो सारी चीज़ें। हमारे घर वाले थोड़ा सोचने लगे कि कैसा डेट वेट नहीं निकला। तो अब उन लोग भी फ़ोन नहीं किए। अब मेरे घर से ये हुआ कि पापा ने फ़ोन किया कि भैया डेट वेट का क्या हुआ करके सर। तो फिर वो बोले हाँ ना सोच के बताऊंगा। ऐसे करते 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 3 दिन हो गया। अब मैं उससे बात करूँ, बोले डेट क्यों नहीं निकाल रहे आप लोग। तो फिर बोलता देखो तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, मेरी माँ ना बहुत कचर कचर कर रही है। मैं बोली क्यों। तो बोलते मेरी माँ ना जैसे अभी ये तुमसे तो मेरा एंगेजमेंट हो चुका हुआ, आप लोगों को बोली थी पाखा खावा हमारे में एंगेजमेंट होता है, तो मेरी माँ टाटा नगर में भी मेरी लड़की देख डाली।
मैं बोली 3 दिन में कैसे देख डाली। बोलते हैं कि मेरी माँ पता वाता करवाई है। तो मैं बोली तो क्या तुम भी देखने जा रहे हो क्या? मैं बोली देखो, एंगेजमेंट के पहले होते हैं कि लड़कियां देखते हैं, एक जगह नहीं 10 जगह नहीं 20 जगह लड़कियां देखते हैं, लेकिन अब एंगेजमेंट हो चुकी है हमारी, जस्ट अभी हुई है, अब तुम और लड़की देख रहे हो। एंगेजमेंट में हमारे कम से कम 2 से 3 लाख खर्च हो चुके हैं। अच्छे अच्छा बड़ा करके करते हैं, पूरा शादी की तरह खाना वाना खिलाते हैं भरपेट। तो फिर वो बोलते हैं पता नहीं, बोली क्या नाम है, अजीब सा नाम मेरे को बोलते याद नहीं, तो टाटा नगर मेरे को अच्छे से याद है। और लड़की जॉब करती थी, उससे उसकी सैलरी थी 25,000 और वो उससे बड़ी थी 1.5 साल की। तो उसकी माँ, अब वो मैं बोली ना मेरे को बहुत प्यार करता था उस वक्त। तो वो क्या किया, मेरे को लड़की का फोटो भेजा, फिर उसका बायोडाटा भेजा, हर चीज़ भेजा। तो लड़की एकदम दुबली सी थी, थोड़ा सा कर्ली हेयर था उसका, अच्छे से मेरे को याद है। और वो जॉब कर रही थी, वो उससे बड़ी थी। तो फिर मैं कुछ बोली नहीं, मेरे को एक्चुअली उसमें बहुत बुरा लग गया था, मैंने फ़ोन कट कर दी। फिर उसके बाद वो मेरे को सीधा एक दिन बाद मेरे को कॉल किया। तो मैं बोली क्या हुआ करके, अब मैं सब बात मेरे घर में भी नहीं बताई थी। तो मैं बोली क्या कर रहे हो आप लोग, लड़की देख रहे हो फिर दूसरा और लड़की देख रहे हो, क्या कर रहे हो करके। तो बोलते अरे मैं नहीं देख रहा हूँ भाई, मैं तो तुमको बहुत प्यार करता हूँ, मेरी मम्मी देख रही थी, मैं आपको वही बता रहा हूँ। मतलब इसकी माँ ने क्या किया था कि मेरे लिए तो लड़की लोग शादी इंगेजमेंट फिक्स हो गया था, बट टाटा नगर की एक लड़की थी और इसको फोर्स करने लगी। क्या होता है इंगेजमेंट तो हुआ, छोड़ दे इसको देख ये आरक्षण में, क्या पता है उससे मेरे को कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लिया था, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि मैं उसको गलत समझ रही हूँ, कि उसको किसी और लड़की पे इंटरेस्ट है। तो ये मुझे प्रूफ दिखाने के लिए अपनी माँ को कॉल में लेके मुझे कॉन्फ्रेंस में ले लिया, सुनो मेरी माँ ही बोल रही है। ये मैंने सुना उसकी माँ का बात कि लड़की टाटा नगर की है, उससे बड़ी है। तो वो बोला वो तो मेरे से बड़ी है, मैं क्यों करूँ करके। तो फिर ये अपनी माँ से गुस्सा झगड़ा वगड़ा कर लिया था। फिर मैं उसको बोली झगड़ा वगड़ा मत करो, प्यार से भी समझा सकते हो। तब मेरे को क्या बोला पता है, इसलिए मैं अपनी माँ से बात नहीं करता हूँ। मैं बोली माँ से बात नहीं करते? तो बोलता है नहीं, मेरी माँ से मेरा बॉन्ड अच्छा नहीं है। तो मैं बोली ये तो दुनिया में पहला ऐसा बेटा होगा जिसका अपने माँ से बॉन्ड अच्छा नहीं है, पहला अजूबा मैं सुनी हूँ। क्योंकि बेटे लोग जो होते हैं ना, वो अपने पापा से बहुत डरते हैं, माँ से बॉन्ड बहुत क्लियर रहता है। बोलता है नहीं, मेरी मेरी माँ से बॉन्ड अच्छा नहीं है, मेरा नहीं मेरी बहन का भी अच्छा नहीं है। तो मैं तो रिएक्ट नहीं की, मैं बोली होते बच्चे इस एज में थोड़ा सा माँ बाप की बातें बुरी लगती है ना, मैं ऐसी सोची मैं। तो फिर मैंने ना वो रियलाइज़ किया कि मैं इतने दिन से इससे बात कर रही हूँ, मैं कभी नहीं सुनी कि वो अपनी माँ से बात किया, अपनी पापा से बात किया, या फिर मतलब फ़ोन में या फिर वेटिंग वेटिंग, क्योंकि तो वो दिन भर मेरे से बात करता है। फिर ना मैंने उस मैटर में रिएक्ट नहीं किया, उसका पर्सनल फैमिली मैटर था। हालांकि मैं फैमिली की सदस्य थी, बट मुझे पूछना उस वक्त सही नहीं लगा, हालांकि मुझे पूछना चाहिए था, क्योंकि मैं उस घर में शादी करके जाने वाली थी मैं। तो उसकी माँ, यही रीज़न था शादी को जुलाई से पोस्टपोन करके दिसंबर में कर दी, ताकि उसकी माँ उस बीच में उसके लिए अपनी बेटी के लिए और लड़कियाँ देख सके और जॉब वाली लड़की ढूंढ सके, भले उससे एज में बड़ी क्यों ना हो, 2-3 साल बड़ी क्यों ना हो, उससे वो लड़की लंबी भी थी, वो लंबी क्यों ना हो, इसलिए उसने इतना ज़्यादा डिस्टेंस रखा। तो हम लोग चाह रहे थे, वो खुद चाह रहा था कि शादी वो जून जुलाई में हो जाए, यही रीज़न था। फिर हाँ, फिर मैं क्या कि अब हम लोग वो नॉर्मली बातचीत कर रहे हैं, आई मिस यू, कब शादी होगी, फलाना ढिमकाना, ये शॉपिंग, वही वही बातें हम लोग रोज रट्टा करते थे, वही वही सेम सेम बातें रट्टा मारते थे। मेरे को ये सब्जी पसंद है खाना, मुझे ये बनाने आता है, मेरा फेवरेट कलर ये है, पता है मेरा ओल्ड सॉन्ग ये था, अभी मुझे डांस आता है, पता है मुझे गाना आता है, यही सब बातें करते रहते, मेरा हॉबी ये है वो है, यही सब बातें बातें। फिर मैं ना उससे सडनली पूछी 3 दिन बाद, मैं बोली घर में बात की है माँ से? बोलते नहीं मैं बात नहीं की। बोला मैं बात नहीं करता। मेरे पापा से? बोलते हाँ पापा से हफ्ते में एक बार बात करता हूँ। तो मैं बोली माँ से क्यों नहीं करते? तो बोलता पागल है पगली है। तो फिर बोली क्यों? तो बोलते देखो अब तुम तो मेरे घर में आने वाली, तुमको बता देता हूँ कि वो एक ऐसी लेडी है जो जैसे मानो मैं, मेरी बहन शत्रु है उसके, वो मेरे पापा से मुझे भी डांट खिलवाती है, मेरी बहन को भी डांट खिलवाती है। फिर उसने अपनी घर की स्टोरी बताई है कि उसकी बहन किसी एक मतलब अदर कास्ट के लड़के को प्यार करती है, बिहारी है,
और वो लड़का भी उसे बहुत प्यार करता है, सेम प्रोफेशन है सेम जॉब है करके। तो मैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर सेम प्रोफेशन है सेम जॉब है, एक दूसरे को बहुत प्यार करते तो शादी दे देना चाहिए। उसने कहा मैं भी तो ये चाहता हूँ हो जाए, लेकिन माँ मेरी माँ एग्री नहीं कर रही है। तो मैं बोली क्यों? तो बोलता उसको डर, उनको डर है कि हमारा प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा देना पड़ेगा। तो मैं बोली अभी तो लॉ के हिसाब से अगर माँ बाप ना चाहे तो बच्चे को प्रॉपर्टी नहीं दे, उनका प्रॉपर्टी उन्होंने बनाया हुआ है, ऐसा कहीं पर रूल बुक में लिखा ही नहीं है कि बच्चे का प्रॉपर्टी, बच्चे का मैंने सॉरी माँ बाप का प्रॉपर्टी बच्चे को कब मिलता है? जब उनका मतलब देहांत होता है, लाइफ का एंड होता है ना, तो उसके बाद मिलता है। लेकिन जीते जी अगर माँ बाप ना चाहे तो बच्चे को नहीं मिलता है। अगर तुम्हारा माँ बाप नहीं चाहे तो तुमको भी नहीं मिलेगा, तुम्हारी बहन को भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं अपने पूरे लाइफ सेशन में पहले एक ऐसी माँ देखी जो अपने खुद के पति के मन में बच्चों के लिए गंदा चीज बोती है, जिससे पति आके बच्चों को डांटे, बच्चों को मारे, बच्चों से बात ना करे। ये मैंने खुद अपने आंखों से बाद में भी देखा है। एंड देन दोनों बच्चे से सुनी हो, उसके भैया से भी सुनी हो, उसकी बहन से भी, दोनों के मुंह से सुनी हो। फिर ये सब चीज़ तो था ही। फिर मैं बोली चलो ठीक है मैं बात करती हूँ, मुझे नंबर दो मैं बात करती हूँ। तो मुझे वो नहीं दे रहा था, बोलता है नहीं 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 माँ भी तभी तो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाई। मैं बोली अरे तुम भाग के शादी थोड़ी क्यों, अरेंज मैरिज है वो, तो खुद ही आप बोली। बोलते तुम समझ नहीं रही हो, मेरी माँ को एक जॉब वाली लड़की चाहिए जो पैसा कमा के मेरी माँ के हाथ में दे हर महीने। मैं यहाँ पे एकदम चुप हो गई। मैं बोली आप क्या चाहते हो, साफ साफ मुझे बता दो क्या चाहते हो, क्योंकि अभी मैं जस्ट मेरा पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हुआ है, मैं अभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, साथ में एग्जाम्स भी दे रही हूँ। मेरी शादी के 10 महीने में मैं टोटल में 5 एग्जाम्स दी हूँ और 5वां सरकारी जॉब था, 5ों। उस वक्त बहुत सारे वैकेंसीज निकला था। तो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है, मैं हूं ना, तुम टेंशन मत लो। फिर वो बोला कि पैसे की क्या जरूरत है यार, मैं कमा रहा हूँ, मेरे पापा कमा रहे हैं, और हम लोग घर में सिर्फ मेरी बहन की शादी हो जाएगी, बस हम 4 लोग हैं। जब मैं कमा रहा हूँ तुम खा लेना, पापा कमा रहे हैं मम्मी खा लेगी, 4 लोग में अगर 2 लोग कमा रहे तो गलत क्या है? फिर ये भी उसने कहा कि हमारे किराए का घर है और उनको ऐसा है कि सरकारी जॉब ही करवाना है, प्राइवेट जॉब वो नहीं करवाएंगे, ऐसा उनका था। तो मैं बोली नहीं मैं सरकारी जॉब की ही तैयारी करूंगी, और मेरा ऐसा था कि नहीं मेरे को जॉब करना है और मैं करूंगी करके। देखिए इतना बारीकी से बात मैंने अपने ब्लॉग्स में कभी नहीं कहा है, यहाँ पे एक एक बात एक एक लाइन एक एक चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोग से शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे आपने तो ये नहीं कहा था, अभी आप कैसे कह रहे हो, है ना, इसलिए आप लोगों को लगेगा क्योंकि मैं यहाँ पे एक एक लाइन बता रही हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रही हूँ। फिर ऐसा करके मेरे से थोड़ी सी बहस बहस, मतलब मेरा मन बहुत ख़राब चल रहा था उसमें, सही बताओ तो बहुत अजीब लग रहा था मुझे, क्या हो रहा है लाइफ में करके। यहाँ एंगेजमेंट हो चुका है, समाज में पूरा बात जा चुका है, और इस तरीके से ही हो रहा है। फिर क्या हुआ, मेरे पेरेंट्स लोग फिर फ़ोन किए, बोलते हैं मतलब इसके पापा को, फिर इसके पापा ने बोला कि अभी हम नहीं करेंगे, अभी बरसात है, फिर हमको थोड़ा वक्त चाहिए, वक्त मतलब ख़रीदारी करना है, मेहमान रहमान है, उसमें हमको नहीं पता था कि इनकी ख़रीदारी कैसी हुई है। जब आप लोग सुनोगे ना कि इनकी शादी की शॉपिंग शादी की ख़रीदारी कैसे हुई है क्या हुई है, आप लोगों के पैरों के तले जमीन खिसक जाएगा। और वो जिस रिलेटिव की बात कर रहे थे, क्या बताओ, मैं आप लोग आगे के सब बताऊंगी। फिर क्या हुआ कि पापा बोले चलिए ठीक है, क्योंकि बोले हमारे कलकत्ता में लोग रहते हैं, भोपाल में लोग रहते हैं, सब कुछ वहाँ पर जाकर हमको इन्वाइट करना पड़ेगा, शॉपिंग हम बाहर से करेंगे। तो पापा ने बोला चलो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, हमको भी थोड़ा मोहलत मिल जाएगा, बेटी की शादी है, घर का पहला शादी है, बेटी की शादी है, हर बाप चाहता है कि धूमधाम से करे। तो पापा बोले चलो ठीक है मुझे भी कुछ पैसा सेविंग करने का मौका मिल जाएगा। फिर उसके बाद चलो ठीक है वो चल रहा था, और धीरे 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 मेरी उसकी बातें आगे बढ़ रही थी। उस बीच में मुझे उसकी बहन कॉल की, उसकी बहन से मेरी बातें हुई, उसकी बहन ने मुझे फिर वही सेम चीज़ बोला, बोला शताब्दी देख मैं तुझे साफ साफ बता रही हूँ, मेरी जो माँ है ना तुझे पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि वो तो जॉब नहीं कर रही, तो पैसा नहीं कमा रही है करके। अब मुझे और बुरा लगने लग गया। तो बोलती है कि देख उनको ना सिर्फ पैसों से मतलब है। फिर उसने मुझे अपनी स्टोरी बताई सारा चीज़ें, कि मैं जॉब कर, आप लोगों को बता चुकी हूँ इसलिए रिपीट नहीं करूँगी, कि जब से वो जॉब कर रही है। अच्छा कुछ हो सकता है कुछ न्यू व्यूअर्स उनको पता नहीं हो तो इसलिए मैं कह रही हूँ। फिर उसकी बहन ने मुझे ये कहा कि जब मैं स्टार्टिंग में जॉब कर रही थी उसमें उसको 15,000 मिलता था, उस बेचारी को ये भी नहीं पता
कि सैलरी कब आ रही है, कब खत्म हो रही, कब जा रही, क्योंकि उसके पापा ने पासबुक और एटीएम रख लिया था और बेटी से एटीएम का जो पिन नंबर है वो रख लिया था। उसको सिर्फ महीने का 500 हाथ खर्च मिलता था और पूरे पैसे उसके पापा रख लेते थे, पूरे के पूरे पैसे उसके पापा रख लेते थे। फिर उसका मतलब कॉलेज में पढ़ा रही थी तब, तो कॉलेज में पढ़ाई करते करते फिर उसका सिविल इंजीनियर में उसका जॉब लग गया था। तो जॉब लगने के बाद उसमें उसकी सैलरी आई थिंक स्टार्टिंग में 30 या 40 थाउजेंड था, मुझे उतना आइडिया नहीं है। उसमें भी उसके पापा उसको 500 ही देते थे, बाकी पूरा पैसा उसके पापा रख लेते थे। फिर भी बेचारी ने बोला कि पापा हम अच्छा खाना नहीं खाते, अच्छा खाना पिलाओगे क्या, जब उसके पापा को 90,000 पर मंथ सैलरी मिल रहा था। ये सारी स्टोरी उसकी बेटी ने मुझे बोला। तो बोलते देख तू अगर मेरे घर में आएंगे तो तुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, तुझे बहुत सहना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद इनके बच्चे हो के हम लोग बहुत सहते हैं, तो तुझे सहना पड़ेगा। तो मैंने उस चीज़ को ना पॉजिटिवली लिया। मैं बोली कि प्यार से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं होता है, प्यार से अच्छे अच्छे लोग पिघल जाते हैं, प्यार से मतलब बिहेवियर, आपका बिहेवियर, आपका प्यार एक कठोर से कठोर इंसान को सॉफ्ट बना सकता है। तो मैं उसको बोली तू टेंशन मत ले, मुझे तेरी मम्मी से बस प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं कभी उनको एक गिलास पानी तक नहीं उनको मैं लेके पीने दूंगी, सारा घर का सारा काम मैं कर लूंगी, घर का सारा खाना मैं बना लूंगी, मुझे सब चीज आता है। वो क्या करेगी मेरे को, चिल्लाएगी मेरे पर, डांटेगी कब तक, फिर एक ना एक बार शांत हो ही जाएगी ऐसे बोल के। क्योंकि मैं अपने पति मतलब मैं उसको प्यार करने लग गई थी, और मेरे लिए ऐसा था कि नहीं मैं सब चीज़ हैंडल कर लूँगी, सब चीज़ संभाल लूँगी। फिर मैंने क्या किया, मैं फिर नंबर लेके मैं बोली, मैं फिर उसकी बहन से मांगी, बोली नंबर देना, तेरे भाई से मांगी तो तेरा भाई दिया नहीं। फिर वो नंबर दी, मैं बोली मैं मम्मी से बात करूँगी। उस दिन मैंने पहली बार उनको कॉल लगाया तो बोलती हेलो कौन, मैं बोली मम्मी जी प्रणाम मैं शताब्दी। तो बोलती हाँ बोल, ऐसा हाँ बोल, ये होता है ना घर की बहू है तो हाँ बोलो, आप नहीं तुम बोलो, लेकिन बोलोगे ना तुम बोलो, तुम कैसे, मेरे को बोलती हाँ बोल। तो मैं बोली आप कैसे मम्मी, बोलती ठीक हूँ। तो मेरे को बोलती तू कैसी है, मेरे को इतना ऑकवर्ड लगा उस समय कि मैं अननोन हूँ अभी आने वाली, तू डायरेक्टली तू, तो मैं बोली मैं भी ठीक हूँ। तो ज़्यादा बात नहीं, थोड़ा सा बात की, बोलती ठीक है रख मेरे को भी पूजा देना है। मैं बोली ठीक है मम्मी, मैं बोली अपना ध्यान रखना, फिर लगाते आप लगाते रहना, मैं भी अपना टाइम मिलेगा तो लगाते रहूँगी, क्योंकि देखिए घर में बॉन्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं उसके पापा का नंबर ली, फिर उसके मेरी ज़्यादा बातें उसके पापा से ही होती थी, क्योंकि उसके पापा थोड़ा अच्छे तरीके से बात करते थे। बट इसकी माँ का नेचर मेरे को उस वक्त समझ भी नहीं आया, अभी कहूँ तो मुझे अभी तक नहीं समझ में आता है किस प्रजाति के इंसान है, सही बताऊँ तो। ये है मेन रीज़न शादी जुलाई से दिसंबर होने का, कि उसकी माँ उस बीच में बहुत सारी लड़की देख डाली थी, देख रही थी देख रही थी देख रही थी, और ये मना कर रहा था कर रहा था कर रहा था। फिर स्ट्रिक्टली इसने डायरेक्टली बोल दिया कि आप लोग अगर मेरे लिए कोई दूसरा लड़की देखे, आप लोग अगर मेरे लिए, अगर आप लोग मतलब अपनी मम्मी को बोला कि आप अगर मेरे लिए कोई दूसरा लड़की देखे और कोई दूसरा रिश्ता लाए तो मैं कुछ कर बैठूंगा अपने साथ। आखिरी में इसने ये बात अपनी मम्मी को बोला। फिर उसकी मम्मी ने कोई और लड़की देखना बंद कर दिया, क्योंकि इसकी मम्मी सोचो खुद की बेटी का पैसा लोग रख ले रहे, बेचारी इतना मेहनत से सुबह 9 बजे जाती है, शाम को 6 बजे घर आती है, बेचारी एक अपने खुद के पैसे से, मतलब एक होता है कि लड़की खुद पैसा कमा रही है, अपना खुद का ओन पैसा है, वो सेल्फ डिपेंड है, अरे अपनी मर्जी से कुछ भी खरीद सकती है, पहन सकती है, खा सकती है, कोई रोकने रोकने वाला नहीं होता है, अपने पेरेंट्स को भी हर इच्छा पूरी कर सकती दे सकती है। लेकिन जहाँ पे घर किराया महीने का आ रहा 20-30 हज़ार, उनका पति कमा रहा है 90 हज़ार, 1 लाख तो घर की इनकम है, और बेटी अगर खुद कमा रही है तो बेटी का खुद का कमाई तो खुद के ऊपर लुटा ही सकती है वो, लेकिन बेचारी खुद की कमाई का एक कपड़ा तक अपने लिए कभी नहीं ले पाई, कभी नहीं, सिर्फ 500 महीने के हाथ खर्च मिलते थे, उसी से वो समोसा वोसा बड़ा मड़ा खाती थी, तेल वेल डालती होगी। मैं सुनी ना मैं शॉक्ड रह गई। बट मेरा ये था कि प्यार से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं होता, प्यार से हर चीज़ सुधार सकते हो, प्यार से हर चीज़ को आप ठीक कर सकते हो, ये मेरा मेन था। लेकिन अभी देखो सबसे बड़ी, मुझे लगता है कि शायद मेरा सबसे बड़ा गलत डिसीज़न था उस समय। अब मैं आप लोग से इसके बाद शेयर करने वाली हूँ बर्थडे। अब देखते देखते मार्च अप्रैल चला गया, मई चला गया, जून चला गया, अब जुलाई, 18 जुलाई, 18 जुलाई को उसका बर्थडे आता है।
उस समय का इंसिडेंस हुआ, क्या हुआ, वो सारा चीज़ आप लोग से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। चलिए आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, आप सब से मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में।